नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आजकल पूरे संसार में, ये कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है, और इस लॉकडाउन की स्थिति में सभी लोग अपना जो काम है वो घर से ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सभी लोग अपना जो काम है वो ऑनलाइन कर रहे हैं, और जितने भी लोग ये ऑनलाइन काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो है जिस ऑनलाइन ऐप का यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है जूम ऐप। अब ये जूम ऐप आपके लिए कितना खतरनाक है, आपकी सुरक्षा को लेकर, आपके डाटा की सुरक्षा को लेकर कितना ज़्यादा खतरनाक है, इस ऐप के थ्रू आपके आईपैड, आपके मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब का डाटा चोरी हो सकता है। ये पर्सनल डाटा, फिर चाहे आपका वो फ़ोटो हो, वीडियोस हो, मीटिंग्स हो, कुछ भी हो, कि सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चोरी हो सकते हैं, किसी और को बेचा जा सकता है इसको, और वो लोग आपके ऊपर साइबर अटैक कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय नोडल एजेंसी ने जो गाइडलाइन जारी की है, जो कुछ स्टेप्स बताई है, जो कुछ सावधानी बताई है, जो कुछ सलाह आपको दी है, अगर उसका फॉलो करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी ऐसी सावधानियाँ या कौन सी ऐसे सुझाव आपको दिए हैं जिसको यूज़ करके आप आसानी से इस साइबर अटैक से बच सकते हो। पहला, आपको अपने जो ऐप है यानी जूम ऐप है उसको रेगुलरली अपडेट करना होगा, मतलब आपको अपने ऐप को अप टू डेट रखना होगा। दूसरा, आपको इसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना होगा, मतलब जो पासवर्ड आप यूज़ कर रहे हो वो ऐसा पासवर्ड होना चाहिए कि इजीली कोई उसको क्रैक ना कर सके। तीसरा, हर मीटिंग के लिए आपको एक यूनिक पासवर्ड रखना चाहिए, यानी जितनी बार भी आप मीटिंग करें किसी से, चाहे वो आप पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हर बार आपका पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए। और चौथा, मीटिंग के लिए वेटिंग रूम फीचर को इनेबल करके रखना होगा। अगर आप इन थोड़ी सी सावधानियों को या थोड़े से सुझावों को अगर याद रखते हैं, अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ऊपर साइबर अटैक होने का खतरा नहीं रहेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।